Hello students, today we shall write about the remaining exercise of lesson 2, waiting at the window. मतलब lesson 2 के बचे हुए शेष exercise के बारे में हम लोग आज लिखेंगे, ठीक है? तो इसका अगला है reference to context. लिखा है read these lines from the poem and answer the question that follow. अब इसमें लाइन है आपकी किताब में देख लीजिएगा पेज नंबर 22 पे, 22 और 23 का ये एक्सरसाइज वाला पेज है. 22 पे ये पहली लाइन है बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम्स, वन इज जॉन एंड वन इज जेम्स. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा ए बी सी तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, वेयर इज द पोएट एट दिस पॉइंट इन टाइम. Where is the poet at this point in time? यानी इस समय जो है कभी कहां पर है, तो इसका जवाब है आपका आंसर है द पोएट इज इन हिज रूम सीटिंग बाई द विंडो. द पोएट इज इन हिज रूम, कहां पे है वो, अपने कमरे में, और कहां पे वो भी सीटिंग बाई द विंडो, खिड़की के पास वो बैठा हुआ है, कवि कमरे में खिड़की के पास बैठा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का भी, हु आर जॉन एंड जेम्स, हु आर जॉन एंड जेम्स, जॉन और जेम्स कौन है, तो इसका जवाब है जॉन एंड जेम्स आर टू रेन ड्रॉप्स, ठीक ना, टू रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन. जॉन और जेम्स जो है वर्षा की दो बूंदे हैं, और कहां पर है वो, खिड़की के कांच पे है, खिड़की के शीशे पे है, दो बूंदे हैं जिन्हें कि उस कवि ने नाम दे दिया है जॉन एंड जेम्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, हु गेव देम देयर नेम्स, हु गेव देम देयर नेम्स, मतलब उन्हें ये नाम किसने दिया, तो इसका जवाब है देयर नेम्स वेयर गिवन बाय द पोएट, देयर नेम्स वेयर गिवन बाय द पोएट, उनका नाम जो है कवि के द्वारा दिया गया, कवि ने खुद उन्हें नाम दिया कल्पना करके कि ये बूंद जो है जेम्स है और ये बूंद जो है जॉन है, ठीक है? अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब सेंटेंस नंबर 2 पे. लिखा है जॉन इज मूविंग ऑफ एट लास्ट, जेम्स इज गोइंग प्रेटी फास्ट. इसमें ए बी सी डी चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए चलते हैं वन बाई वन को लेकर के. क्वेश्चन नंबर 2 का ए है वेयर आर जॉन एंड जेम्स, यानी जॉन और जेम्स कहां पर है, तो इसका जवाब है जॉन, हाँ चलिए जॉन एंड जेम्स आर ऑन द विंडो पेन, वो कहां पर है, वो खिड़की के शीशे पे है, वो खिड़की के शीशे पे है, ऑन द विंडो पेन, ठीक ना, जॉन एंड जेम्स आर ऑन द विंडो पेन, खिड़की के शीशे पे है, ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का भी, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, जॉन और जेम्स क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब है दे आर स्लीडिंग डाउन, दे आर स्लीडिंग डाउन, वे सरक रहे हैं, दे आर स्लीडिंग डाउन द विंडो पेन एज इफ इन ए रेस, जैसे कि वो रेस कर रहे हो, आपस में दौड़ लगा रहे हो, वो दोनों खिड़की के शीशे से नीचे को सरक रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का सी, व्हाई इज जॉन मूविंग ऑफ एट लास्ट, व्हाई इज जॉन मूविंग ऑफ एट लास्ट, मूविंग ऑफ माने शुरू कर देना, चल देना, अंत में जॉन क्यों चलना शुरू कर देता है, पहले क्यों रुका हुआ है, अंत में क्यों चलना शुरू कर देता है, इसका जवाब है Something had sort of stuck to John. Something had sort of stuck to John. यानी कोई चीज जो है जॉन से चिपक गई थी, इसलिए वो रुका हुआ था, ठीक ना? Something had sort of stuck to John, but John finally manages to start off. लेकिन अंत में जो है जॉन चलना शुरू कर देता है, अपने उससे मैनेज कर लेता है जो चिपका हुआ है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 2 का डी है, व्हाट हैपेंस इन द एंड, व्हाट हैपेंस इन द एंड, अंत में क्या होता है। इसका जवाब है इन द एंड जॉन मैनेजेस टू विन द रेस अगेंस्ट जेम्स, इन द एंड जॉन मैनेजेस टू विन द रेस अगेंस्ट जेम्स, अंत में जो है जॉन जेम्स के खिलाफ उस रेस को जीत जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज आपकी, टाइम टू एंजॉय, टाइम टू एंजॉय। इसका पहला वाला है जो है लिखा हुआ ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ, किताब में देखिए बेटा पेज नंबर 23 पे आपकी बुक में लिखा है, ये लाइन लिखी हुई है, मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, देखिए मेरा ये टाइम टू एंजॉय वाले में, ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ए पोएम, इन ए पोएम वी यूज लेटर्स टू इंडिकेट विच लाइंस राइम, फॉर एग्जाम्पल ए बी ए बी indicates a four lines stanza in which the first and third lines rhyme as do the second and fourth, मतलब जो rhyme का मतलब लयबद्ध है, एक जैसा जो है उच्चारण जो निकल रहा है उसको indicate कर रहा है। तो पूछ रहा है what is the rhyme scheme of this poem, what is the rhyme scheme of this poem, इसका जवाब हो गया बेटा The rhyme scheme of the poem is A A B B C C D D W, है ना, ये हो rhyme scheme इसकी ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है लिस्ट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, यानी आप 5 जोड़े जो है उन शब्दों को लिखिए जिनका जो है राइमिंग वर्ड्स जो है एक जैसा हो, यानी कि उनका प्रोनंसिएशन लगभग एक जैसा हो, स्वर एक जैसा निकले। तो आपकी किताब में जो है उनमें से 5 पेयर आपका लिखा हुआ रेन के साथ पेन, नेम्स के साथ जेम्स, ठीक ना, नेम्स के साथ जेम्स, ओज के साथ लॉर्ड, लास्ट के साथ फर्स्ट, वन के साथ सन, ये मतलब स्वर एक जैसा निकल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट वन होमोफोन फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स, यू मस्ट पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ, होमोफोन यानी द सेम वैसा ही जो है शब्द आपको लिखना है, आप चाहे तो अपने इस पोएम में से उस शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसमें दिया हुआ है पेन विच वन पीस बाय सन एंड टू, चलिए हम इनका जो है होमोफोन वर्ड लिख रहे हैं। अब इसमें पी ए आई एन है, तो आपके पोएम में पेन है, ठीक ना, पेन पी ए एन ए यानी ग्लास, उसी तरह से आपकी किताब में दिया है W I T C H, इसका जो है होमोफोन वर्ड है विच W H I C H, वन W O N इसके साथ है वन O N E वन, पीस P E A C पीस, पीस मतलब शांति होता है, ठीक ना, इसका जो है होमोफोन वर्ड पीस P I E C, पीस मतलब जो टुकड़ा होता है, दिया है B U Y बाई, इसके साथ रहेगा बी वाई बाई, एस ओ एन सन दिया है तो इसका होगा एस यू एन, टी ओ टू है तो इसका होगा टी डब्लू ओ, है ना, टी डब्लू ओ। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई, इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और आपकी कॉपी देखी भी जाएगी, आपसे हो सकता है कि ऑनलाइन मंगा कर जो चेक भी किया जाए, सो प्लीज कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स, दैट्स ऑल।